चैनल। आई एम फिंगल फ्रॉम एसआरआई टाइम्स कुमारी भिलाई। तो आज है 14 अगस्त एंड 2024। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं हूँ सिविक सेंटर भिलाई के बाहर और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं उनके बीच और पूछते हैं उनकी राय इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। एक्सक्यूज मी मैम, आप क्या करते हैं? मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। तो जैसा कि कल इंडिपेंडेंस डे है, तो कल आपके क्या प्लान्स हैं? कल छुट्टी का दिन है तो मैं अपने परिवार वालों के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। तो क्या आपके लिए इंडिपेंडेंस डे का मतलब बस एक छुट्टी से है? तो नहीं तो क्या मैम, हम लोग काम में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग को कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। तो आज़ादी के एक ही दिन छुट्टी मिलती है, उसमें भी हम घूमें ना। अच्छा मैम, आप क्या करती हैं? एक्चुअली आई एम इंडिपेंडेंट वूमेन। ओह, तो कल आपके क्या प्लान्स हैं? क्या ये टीवी पे आने वाला है? यस, ये टीवी पे आने वाला है। जस्ट वेट अ मिनट। तो कल आपके क्या प्लान्स? मुझे बहुत जगह घूमने जाना है, बहुत इवेंट्स अटेंड करने हैं, बहुत पार्टीज में जाने हैं, शॉपिंग। मैम और कुछ? मॉल। ओह थैंक यू मैम। तो देखा आपने कैसे इनके लिए तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब बस एक छुट्टी से है। इनको तो बहुत सारी पार्टीज अटेंड करनी है, इवेंट्स में जाना है और आई थिंक दे आर वेरी बिजी। तो आइए चलते हैं आगे और दूसरों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। मैम आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं अभी? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ और बीटेक की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा मैम, तो कल इंडिपेंडेंस डे है, तो कल के आपके क्या प्लान्स हैं? कल हमें कॉलेज जाना है, पता नहीं सुबह सुबह कैसे उठ पाऊँगी। एक तो स्कूल के बाद से आदत छूट सी गई है, हमें कॉलेज जाकर फ्लैग हॉस्टिंग करना है और कुछ स्पीच देना है। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी पूछिए। क्या आप बता सकती हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? शायद 26 जनवरी को। थैंक यू मैम। तो देखा आपने, आज के यूथ को ये भी नहीं पता कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेताजी से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। नेताजी आपको समय चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस है, तो कल आपके क्या प्लान्स हैं? मुझे इस दिन जगह जगह अपने फ्लैग होस्टिंग के लिए जाना होता है और शहीदों के बारे में लोगों को बताना होता है। हम ही लोगों ने तो मिलकर देश को आज़ाद करवाया है। अरे नेताजी हमारे नेताजी तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। तो चलिए आप और लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। एक्सक्यूज मी मैम। जी हाँ मैम, आप क्या करती हैं? एक्चुअली वी आर टीचर। ओह तो मैम कल आपके क्या प्लान्स हैं? हम स्कूल में बच्चों के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। मैम एक्चुअली मैंने अभी सर्वे किया तो मैंने पाया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग प्लान्स हैं। किसी को कल पार्टीज अटेंड करनी है, तो कल किसी को घूमने जाना है। तो क्या आप नहीं जा रहे कहीं बाहर घूमने? एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे छुट्टी का दिन नहीं है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है, छुट्टियों का दिन नहीं है ये, बल्कि ये दिन हमारे देश के शहीदों और लीडर्स को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सेक्रीफाइस करे थे। आपको पता ही होगा कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और हम लोग 15 अगस्त के दिन अपने इंडिपेंडेंट देश की स्वतंत्र नागरिक बने थे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के हर बच्चे को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ। इसलिए हम स्कूल्स या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके हमारे लीडर्स के सेक्रीफाइसेस के बारे में बताते हैं और इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा मैम, आप और कुछ कहना चाहेंगी? आज के समय पे लोगों के बीच नफरत, लड़ाई और भेदभाव बहुत बढ़ गए हैं। देखने में ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, पर हमें समझना और समझाना होगा कि हमारी असली ताकत ही हमारी एकता में है। स्वतंत्र का असली मतलब तभी है जब हम एक साथ मिलकर खड़े रहें अपने देश के लिए और आगे बढ़े। मैम अगर आपके जैसे टीचर्स हमारे देश के बच्चों को इस दिन का इम्पोर्टेंस बताएंगे और शहीदों के बारे में, उनकी सेक्रीफाइसेस के बारे में बताएंगे, तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारे देश के इंडिपेंडेंस डे के लोगों का प्लान। तो आपने देखा कि कैसे हर कोई का अलग अलग अपना अपना प्लान है। किसी को कल पार्टीज अटेंड करनी है, तो कल किसी को इवेंट्स अटेंड करना है, तो कल किसी के लिए बस ये एक छुट्टी का दिन है। और वही हमारे नेताजी बहुत ही ज्यादा बिजी है, उन्हें तो बहुत सारे फ्लैग होस्टिंग करने के लिए जाना है और बहुत सारे स्पीचेस भी देने हैं। और वही हमारे देश के टीचर्स अपने स्कूल के बच्चों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस दिन का इम्पोर्टेंस उन्हें बताएंगे ताकि हमारे देश के हर बच्चे एक अच्छा नागरिक बन सके।
तो भले ही सबका अपना अपना मतलब हो, सबका अपना अपना तरीका हो इस इंडिपेंडेंस डे को मनाने का, पर जो सबके दिल में जो देशभक्ति है वो एक समान है, जो प्रेम है, जो भाईचारा की भावना है वो एक समान है। तो इसी के साथ मैं इस छोटे से डिस्कशन का यहाँ पर एंड करती हूँ। थैंक यू टू ऑल एंड जय हिंद।